जिले के सतनवाड़ा नरवर थाना अमूल पठा एरावन केदुआ थरखेड़ा चूंकि रेत माफियाओं के लिए अवैध रेत का उत्खनन का हब बन चुका है। यहाँ से रेत माफिया बेखौफ उत्खनन कर रहे हैं, वहीं लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि यहाँ शासन ने किसी भी प्रकार की रेत उत्खनन करने की स्वीकृति नहीं दी है। लगातार रात दिन चल रहे इस अवैध रेत के कारोबार पर क्षेत्र और जिले का प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुए है। जब अवैध खनन के मामले को लेकर तहसीलदार विजय शर्मा भाजपा मंडल अध्यक्ष जसपाल बैश से बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नरवर की कई लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ पे नरवर के कई गांवों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मेरे द्वारा इस संबंध में माइनिंग विभाग से जानकारी ली जा रही है, क्या नरवर क्षेत्र में रेत का विधिवत लीज है। इसके अलावा मुझे यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि यहाँ पर ट्रैक्टर वालों से 1000 रुपये का रॉयल्टी के नाम पर गेट पास लिया जा रहा है। मेरे मुझे अवगत कराया है, इसके बारे में मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी को बताऊंगा और माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराऊंगा। इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी, मैं लिखित में अपनी पत्र दूंगा और भूमाफियों के खिलाफ बिल्कुल अभी में जो रेत खदान चल रही हैं जो चला रहे हैं उनके खिलाफ भी, और जो चल रहे जो वहाँ मशीनरी जो भी है उनके खिलाफ भी मैं अच्छी कार्रवाई करवाऊंगा।